नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए। हमने आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे 2016 वाला, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। 2017 का जो फर्स्ट टाइम में पूछा गया था, वो आपका पेपर हमने डिस्कस कर दिया। ये जो सेकेंड बार आपका जो पेपर हुआ था, उसका हम आज सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर जो हमने आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर के, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके जो ये आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इन्हें कितनी आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए साथियों, ये 2017 में आपको द्वितीय बार जब आपका पेपर हुआ था, तो आपसे ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो इसमें कहा था इसका गुणनखंड आपको बताना है। तो गुणनखंड किस तरीके से इसका निकालोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का 2 इंटू में इसे आप ए बी बनाएंगे तो ए, और यहाँ पर बी, और प्लस का ये लिखा हुआ है 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको बना लेना है। तो किस तरीके से बना लोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दोगे, प्लस का 2, और यहाँ पर ए की जगह x इंटू में 1/2 आपका हो जाएगा, प्लस का आपका जो 1/4 है, इसे आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसे 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी अगर इसे बंद करोगे तो आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसे आप देख लीजिए, आपका ये आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है कि आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, उसके बाद आपको समांतर माध्य दिया गया है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो समांतर माध्य का आपको हमने फॉर्मूला बताया था, समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ। समांतर माध्य बराबर आपका हो गया, जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग कर लो, तो योग कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जो नंबर ऑफ संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, तो 3 का आपको भाग दे देना है। ठीक है, समांतर माध्य आपको 3 दिया हुआ है, यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, प्लस का एक्स बट्टे में 3, यहाँ बंद कर लीजिए, कैंची का मल्टीपल करोगे तो 9 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 प्लस का एक्स, तो ये 5 इधर जाके घट जाएगा, तो इसमें से ये बचेगा कितना, एक्स बराबर 4, तो 4 वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। तो यहाँ पर 2 आपका है, 2 बट्टे में आपका x माइनस 1 है, प्लस में आपको दिख रहा है 3 बट्टे x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या है, 1 माइनस एक्स है, और शुरू में आपका x माइनस 1 है, यही आपका अंतर है, यही आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसमें कुछ नहीं है, चलिए मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस यहाँ पर एक्स लिख दो, ठीक है, x लिख दो, और ऊपर यहाँ पे देखोगे तो ये बन जाएगा 2, कोष्टक में बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 3, कोष्टक में बन जाएगा x माइनस का 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल अंदर कर दोगे तो यहाँ पे देखिए 2 आपका हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, जब 2 का मल्टीपल कर रहे हैं अंदर, प्लस का यहाँ पे देख लो 3x और माइनस का 3, ठीक है, बट्टे में तो ये संख्या चली रही है, तो इसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 2x माइनस का है, 3x प्लस का है, तो यहाँ पर आपका प्लस का x बच जाएगा, यानी x बच जाएगा, और यहाँ से देख सकते हो माइनस का यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी x माइनस 1 आपकी जो वैल्यू है वो आपकी ऊपर बच जाएगी, और नीचे वाला नीचे सेम टू सेम रहेगा आपका। तो x माइनस 1 ऊपर बच जाएगा, x माइनस 1, और नीचे जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई कितनी, x माइनस 1, और एक दिया गया आपको 1 माइनस एक्स। तो देखिए अभी तो आप क्या करोगे, आप सीधा इससे इसको काट दोगे, इससे इसको काट दोगे, और ये आंसर निकाल के रख दोगे, परंतु ऐसा आंसर आपको कहीं भी ऑप्शन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको ये काटना नहीं है, आपको देख सकते हो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो यही सही हो सकता है, इसके बाद तो कोई सही नहीं होगा। एक तो तुप्पा मार दो सीधा, मतलब यहाँ पर भी आप 100% श्योर हो, फिर भी आप किस तरीके से आया हुआ ये भी आपको समझना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस का साइन ले लेंगे बाहर, और नीचे माइनस का साइन बाहर ले लेंगे। तो देखिए देखो, ऊपर साइन माइनस का ले लो बाहर, तो ऊपर ले लोगे तो इस तरीके से आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम ही आपको रहने दो, जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, तो 1 माइनस का एक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे अब 1 माइनस के एक्स से 1 माइनस का एक्स कट जाएगा,
तो यहाँ पर माइनस का एक बचेगा, एक बट्टे में एक्स माइनस वन, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप यहाँ तक पहुंच गए थे, तो यहाँ से भी आप क्या करते, इसको इससे काट देते, यानी वन अपॉन करके कोई चीज आती, तो यहाँ वन अपॉन करके आती, देखिए यहाँ पे फाइव अपॉन है, यहाँ पे सिक्स अपॉन है, यहाँ पर फाइव अपॉन है, तो ये तो सब कट ही लेते, तो भी आप यहाँ पे सीधा तुप्पा मार के निकल लेते, आपका 100% सही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका चार है। देखिए क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है कि चार राशियां हैं जिनके मध्य पदों का गुणनफल आपको 36 दिया हुआ है, बाह्य पदों में से एक राशि आपको 3 दी हुई है। अब कह रहा है कि तो बताइए इसमें जो दूसरी राशि होगी वो कितनी होगी। तो इस तरीके से जब समानुपात कराया था तो आपको बताया था ए अनुपात बी समानुपात आपका सी अनुपात डी। तो इसमें क्या करना होता है, बाहर बाहर पदों का गुणनफल होता है, मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो देखिए इन मध्य पदों का गुणनफल ही उसने 36 दे दिया है कि इन दोनों का मध्य पदों का गुणनफल है वो 36 है, और ए और इन टू में आप मान लीजिए कि यहाँ डी की वैल्यू आपको उसने 3 दे दी है, तो 3 से इसे काट देंगे तो यानी ए बराबर आपका आ जाएगा 12, तो 12 आंसर आपका आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, इसको 12 लगा करके आप चले आएंगे, आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो बेस है 3/4, 3/4, 3/4 सबका बेस 3/4 है, तो इसे 3/4 रखते हैं। इसके बाद जो मल्टीपल में पावर आपको दिख रही है वो तो आपकी जुड़ जाएगी, 2+10 हो जाएगा, और जो यहाँ भाग में दिख रही है वो जो माइनस की अगर पावर होती तो प्लस में जुड़ती, और प्लस की पावर होती तो माइनस में जुड़ती, तो प्लस की पावर है तो इसे माइनस में रखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया 12 पावर, और 12 पावर में से 8 पावर गया, तो आपका 4 पावर बच जाएगा, यानी 3/4 पे पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का आप मल्टीपल करोगे 4 बार, 3 का मल्टीपल आप करो कितने बार, 4 बार करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, यानी 81 ऊपर आएगा। बट्टे में 4 का मल्टीपल भी आप 4 बार करोगे, तो 4 × 16, 16 × 64 और 64 × 256, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 81/256 वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप देख सकते हो ब नंबर का आपका ऑप्शन दिया गया। तो इस तरीके से आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न। तो अतिलघुत्तरी प्रश्न भी आपके एक एक नंबर के ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 मीटर की लंबाई है, और 3.5 मीटर की आपकी ऊंचाई है, और 20 मीटर की मोटाई है, यानी उसकी चौड़ाई है। अब कह रहा है दीवार का आयतन बताइए, तो दीवार का आयतन क्या होता है, LBH। तो LBH दीवार का आयतन होता है, यानी ऊंचाई और आपका लंबाई इनटू में आपकी चौड़ाई, ये सभी होता है। तो 8 मीटर ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, 3.5 मीटर की ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई, वो ऊंचाई, और इसके बाद आपको जो 20 सेंटीमीटर दिख रही है इसे आप मीटर में चेंज करोगे तो 100 से भाग दे दोगे, यानी 100 जो मीटर सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से मीटर आने में 100 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको पॉइंट को डालोगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो जीरो कट गया, आप दो से काट दोगे तो ये 50 बार कट जाएगा। अब 5 मास से काट लो, 5 × 5, 5 × 7 = 35, ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 × 7 = 56, और नीचे से 10 भाग लगा रहा है तो 5.6 ये मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को आप आसानी से डिस्कस कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपको सेट दिए गए हैं, ए सेट दिया गया है आपको, बी सेट दिया गया है, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी बताइए। एक तो ए यूनियन बी पूछा हुआ है, और आपसे ए कंटेन इंटरसेक्शन आपका बी पूछा हुआ है, तो ये दोनों आपके पूछे हुए हैं, तो इन दोनों को आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पर अगर ए यूनियन बी निकाल रहे होगे आप, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि पहले तो आप सभी जितने भी कॉमन आए हुए पद हैं उनको आप ले लो, ठीक है, कॉमन आए हुए पद हैं उन सबको ले लो, तो एक किसी का भी टर्म लिख लो जो फर्स्ट का ही लिख लो, यानी 8, 12, 15 और 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 16 लिख लो, 16 के बाद आपको वो पद लिखना है जो कि इस बी ऑप्शन में देखिए कॉमन नहीं हो, मतलब देखिए यानी ये सब टर्म लिख गए, लिखने के बाद कोई भी टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी पद आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी अंक। तो देखिए 8 यहाँ पे आया था, 8 यहाँ भी आया है, तो काट लो दोनों को, ठीक है। अब 8 को लिखने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, तो 8 को हमको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 15 आया हुआ है, तो 15 भी लिखने की जरूरत नहीं है हमको।
इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर 12 12 नहीं आया हुआ है, तो 12 यहाँ पे लिख ही लिया था हमने। इसके बाद हम 17 और 20 और लिख लेंगे क्योंकि ये भी नहीं आए हुए हैं। तो ऐसा किस में होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जब एलसीएम करते हो उसमें सभी फैक्टर निकाल लेते हो, जो कॉमन मिलते हैं उनको भी लेते हो, जो कॉमन नहीं मिलते उनको भी खींच लेते हो। तो इसको आप अगर रिलेट करना चाहो तो आप इसे एलसीएम से रिलेट कर सकते हो, इससे एलसीएम से रिलेट कर सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो मान सकते हो, ऐसा है नहीं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो कॉमन होते हैं वही हमें लिखने होते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है, दो 8 दिख रहा है तो 8 यहाँ भी है, 8 इसमें भी है, तो कॉमन एक हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 15 है, दूसरे वाले में भी 15 है, तो 15 कॉमन हो गया। इसके बाद आपको कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा 8 कॉमा में आपका 15, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि वाहक चेक क्या होता है। तो ये आपको जब हम आपको करा रहे थे, इसकी जो बैंकिंग वाला पोर्शन था उसमें जब हमने पूरा चैप्टर आपको कराया, तो उसमें आपको वाहक चेक के बारे में बता दिया था कि ये एक ऐसा चेक होता है जिसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसके जिसको दिया जाता है उसके नामित व्यक्ति जो होता है उसको क्या होता है, वो व्यक्तिगत रूप से जा करके अपनी जो रकम होता है बैंक से ले सकता है, तो वही होता है आपका वाहक चेक। इसमें जिसके नाम से आप काटोगे वो जाकर के व्यक्तिगत रूप से उस चीज को ले लेगा जाकर के, तो ये वाहक चेक कहलाता है। तो आप इसको लिख सकते हो, आपका लैंग्वेज का पोर्शन है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि लॉग 6, और ये आपको दिया हुआ है, यानी ये आपको दिया है लॉग 6 और 1296, यानी 12 लॉग 1296 बेस में 6। अब आपने एक पढ़ा होगा कि लॉग आपका जैसे ए हो यहाँ बेस, मतलब ये इधर हो ए बेस में हो, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आपका बन जाता है वो बन बन जाता है लॉग ए बेस में ए, तो यहाँ पर लॉग बन ए बन बन जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इसको लॉग 6 बेस में 6 आप इस तरीके से आप बना लीजिए। आप अगर इसको बना लोगे तो आपका ये जो होगा वो आपका वन वैल्यू हो जाएगा, और जो इसका भी बचेगा वो आपका आगे निकल जाएगा। तो इसे हम क्या करें, इसे हम पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1296 के हमको क्या करना है, इसको हमको फैक्टर कर लेने हैं। तो 1296 लिखोगे तो 1296 के आपको फैक्टर करने हैं। तो देखिए पहले से 2 से काट लो, तो 2 छिंगे 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर इसे आप क्या करेंगे, फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब यहाँ से आप फिर इसको काट सकते हैं 2 से, तो 2 एकन 2 और 2 छिंग 12, 2 चौके 12 के बाद हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद फिर आप 2 से काट लो तो ये 81 हो जाएगा। फिर आपका 3 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 27। ठीक है, अब 27 के फैक्टर कर लो, तो 27 के फैक्टर करोगे तो इसे 3 से काट लोगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर इसे 3 से काटोगे तो ये 3 और 3 ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप फैक्टर देख रहे हो कि यहाँ पर जो फैक्टर बन गए हैं वो कितने बन गए हैं। तो यहाँ पर आप 6 बनाना था, तो 6 बना लोगे ना तो 2 तिया 6, एक पेयर ये बना। ठीक है, इसी प्रकार से एक पेयर ये बन गया 6 का, एक पेयर ये 6 का बन गया, और एक पेयर ये 6 का बन गया, यानी 4 पेयर 6 के बन गए। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या, लॉग 6 पावर में 4, और आपका ये हो जाएगा 6, आपका बेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर होता है वो आगे खिसक जाता है, यानी 4 इधर आ गया तो लॉग आपका हो गया 6, ये आपका लॉग हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, यानी 4 इंटू में 1 बराबर में आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कितने समय में, यानी यहाँ पे देखिए समय पूछा हुआ है, टी आपसे पूछा हुआ है। 7,500 रुपए हैं, 11% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर दिए हुए हैं। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, साधारण ब्याज पूछ रहा है, और जो हो जा रहा है वो आपका कितना हो जा रहा है, 4,125 रुपए जो साधारण ब्याज है वो इसका हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा दी सिंपल इंटरेस्ट का, आपको फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो PRT/100 इसको लगा दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर 7,500 इसकी वैल्यू अमाउंट में दी हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पे दर दी हुई है, इसके बाद टी आपसे पूछा हुआ, तो टी इस तरीके से रखेंगे, बट्टे में 100 रख लीजिए। तो यहाँ पर शुरू जो इसका ब्याज हो रहा है वो आपका हो रहा है 4,125 रुपया, और बराबर में आपका 7,500 रुपया। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे 11 इंटू में यहाँ पे आपका टी बट्टे में 100। ठीक है, तो इस 11 से इसे काट लीजिए, तो इसे 11 से काट दोगे तो 11 तिया 33, 33 के बाद बचेगा आपके पास 7 और 1 8 हो गया 82,
1177 बचा 5, 11 5 55, एक 375 आ गया। इसके बाद दो जीरो से दो जीरो ये कट जाएगा। अब इस 75 से इसको काट लीजिए, तो 75 से या 25 का लिए 25 तिया 75 हो गया, और 25 सीधे काटेंगे तो 25 एकन 25, इसके बाद आपका बच गया 12, 12 125 हो गया। और 25 ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, तो ये 15 हो गया, तो 3 से काट होती है 5 बार कट जाएगा, यानी आपका जो समय आएगा वो आपका 5 वर्ष का समय आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर पाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछिएगा। आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा हुआ है, तो इसने बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी व्रत में, यानी जैसे मान लीजिए ये व्रत है, तो किसी व्रत में कह रहा है, किसी व्रत में उसके लघु चाप का अंश माप कितना दिया, 70 अंश का। लघु चाप का जो लघु चाप दिया है वो 70 अंश का दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ये एक आपका लघु चाप लगा हुआ है, इस तरीके से ये 70 अंश का है आपका। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो दीर्घ चाप होगा यानी बड़ा वाला चाप होगा वो कितने अंश का होगा, तो टोटल होता है 360 अंश का एंगल इस पर। तो यहाँ से आप 70 अंश को निकाल दो इसमें से। जब आप 70 अंश निकाल दोगे तो आपका 290 अंश का बच जाएगा। कितना, 290 अंश का आपका आंसर आ जाएगा। 290 आप यहाँ पे लगा लीजिए, आपका आंसर यही 290 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का है कि मतलब किसी व्रत में एक दीर्घ जो आपका पूरा अंश माप होता है वो 360 का होता है, लघु चाप का आपको 70 दिया हुआ है, तो दीर्घ चाप आप 360 में से निकाल दोगे इसको तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पे लघोत्तरी प्रश्न, तो लघोत्तरी प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको एक सिंप्लीफिकेशन से आपको क्वेश्चन दिया गया है, और इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको देख सकते हो यहाँ पर जो आपको ये साइन इसमें देखिए भाग का दिख रहा है, ये भाग का साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसे प्लस का साइन बनाकर रखिएगा। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4 5 20, यानी 20, तो 20 पे पावर माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस में है, तो प्लस में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1/, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। और बाहर कोष्टक में आप देख रहे हैं, तो यहाँ बाहर कोष्टक में जो आपको दिख रहा है वो आपको 3/4 दिया हुआ है, तो इसको याद रखिए। अब ये जो 1/, मतलब ये जो 20 लिखा हुआ है, माइनस का पावर इस पे 2 है, तो नीचे लिखा होगा प्लस की पावर बन जाएगी, यानी प्लस की बन जाएगी, तो नीचे हो जाएगा ये 400। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, प्लस में आप देख सकते हो 1/100। तो इनका अब आपको एलसीएम लेना है इन दोनों का, फिर बाद में इसके साथ एलसीएम लेना है, 3/4 के साथ लेना है। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका 400 एलसीएम हो जाएगा। जब 400 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर आपका कितना बन जाएगा, 400 400 कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर ये 4 बार कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, तो 5/, ये कितना हो जाएगा आपका 400, और 5 से जब काट दोगे तो ये 5 9 8 40, यानी 1/80। तो 1/80 हो जाएगा ये, 1/80, और प्लस में 3/4 आपका चल रहा है। अब जो एलसीएम इनके साथ लिया जाएगा वो हो जाएगा आपका 80। ठीक है, 80 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर 80 एकन, तो 80 रहेगा, और यहाँ पर देखेंगे 4 से करेंगे तो 4 2 8 यानी 20, यानी 21/ आपका हो जाएगा 80। तो 21/80 जो आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, 21/80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, यहाँ पे आंसर तो इसका दूसरा आ रहा है, इसका आंसर आता है 81/80। तो यहाँ पे क्या गलत कर दिया है, यहाँ तक तो देखिए हम आ गए थे, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो हम आ गए थे 1/400 प्लस 1/100 और 3/4, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो नीचे एलसीएम लिया वो 400 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 बचेगा, ये 100 चौक 400 होता है, प्लस में यहाँ से आप देखें सॉरी यहाँ 3 का मल्टीपल नहीं करा था, तो इस 4 से ऐसे काट, 4 एकन 4, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, ये 300 हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 300, ये हो गया, और 300 और ये 4 आपका इसमें जुड़ जाएगा, 304 और 305, तो 305/ हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 305/400 हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो इसे काट लीजिए, तो काटेंगे आप इसे 5 से काट लीजिए, 5 6 30, 5 एकन 5, 5 8 40, तो सही है, अब इसका आंसर सही आ गया 61/80, तो यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है,
तो यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो मैं उसको आपको साथ साथ ही बता दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, लकड़ी के एक घनाव का आकार जो है उसके टुकड़े की जो लंबाई है वो आपका 75 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बाद कह रहा है जो उसकी आपको दिख रही है चौड़ाई, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। चौड़ाई कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर की आपको ऊंचाई दी गई है। इसके बाद कह रहा है तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे एक गुट, मतलब कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो टोटल का आयतन बट्टे में एक गुटके का आयतन आप रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी गुटकों की संख्या निकल जाएगी। तो टोटल घनाव का जो आयतन है उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं इसकी, देखिए सभी सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 75 दिया है, 15 और फिर 5 दिया हुआ है, ठीक है। आप नीचे रखेंगे इसका जो एक मतलब जो आपका कह रहा है एक गुटके का जो आयतन दिया हुआ है उसको रख लीजिए 15, 3 और आपका 1, तो इसमें काट लीजिए 15 से देखिए 15 काट दीजिए और यहाँ 3 से काटोगे तो ये आपका कितने बार कट जाएगा, ये 25, 3 × 6 और ये 25 हो जाएगा और 25×5 125, यानी 125 होगा वो सेंटीमीटर, मतलब ये जो 125 होंगे वो आपके बने गुटकों की संख्या आ जाएगी 125, ठीक है। तो ये आपके गुटके जो बनेंगे 125 गुटके आपके कम्प्लीटली बनेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा हुआ है, कह रहा है कि इसके फैक्टर करिए। तो फैक्टर करने से पहले इन दोनों का आपको मल्टीपल करना है। अब मल्टीपल करोगे तो 18 का आप 15 मल्टीपल करोगे तो 18×5 90 होता है, 0 9 कैरी गया और 18×18 और 9 कितना हो गया आपका 8 और 9 आपका 17 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 27, यानी 270 आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब इस 270 के आपको फैक्टर कर लेने होंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर ले रहा हूँ फिर से, 18×5 90 और 18×18 और 9 आपका 17, ठीक है। तो यही हो गया 270, 270 के आप फैक्टर करोगे, तो फैक्टर करोगे तो फिर यहाँ पे 2×2, 2×2, 2×3, 6×5, 10 फिर इससे आप इसे किससे काट लोगे, 5 से काट लो तो 5×2, 10 5×7, 35 इस फिर से 3 से काट लो तो ये 3×9 बार और 3 से आप काटोगे तो 3×3, 1×3 इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर जो जोड़ने पर रहना चाहिए वो आपका 3 रहना चाहिए, ठीक है। कितना रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए। अब यहाँ पर या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे इसमें से 3 कॉमन ले लेते, तो पहले शुरुआत में 3 कॉमन लेकर भी आप इसका फैक्टर कर सकते थे, ठीक है। तो आप 3 कॉमन लेकर के आप फैक्टर कर लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि इन तीनों में 3 कॉमन है। तो 3 जब कॉमन लिया तो हमारा कितना बचा कोष्टक में, तो आपका बचा 5×4, ठीक है। 5 मतलब 15 हो गया, सही है, प्लस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 3 तो जा ही चुका है और 3×18 है। तो अब इसके आप फैक्टर कर लेना, तो इसके फैक्टर आप आसानी से कर पाओगे और आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ये बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में क्या कहा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर ये 15 में कह रहा है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए बात कह रहा है। देखिए 400 रुपये आपको मूलधन दिया हुआ है, 5% की दर से आपको मतलब देना है ब्याज, और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो आप पहले यहाँ पे मिश्रण निकाल लीजिए, यानी आप ए निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 400 है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो पी कोष्टक में 1+R, तो R की वैल्यू रख दूंगा 5/100 और समय की पावर ये आपकी हो जाएगी N, ठीक है। तो N की जगह 2 रख दो क्योंकि 2 आपको दिया हुआ है। अब इसको आपको करना है सॉल्व। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 441, ठीक है। कितना आ जाएगा? 441 आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा, मूलधन आपका 400 है, तो यहाँ ब्याज का कितना हो जाएगा? ब्याज का आपका 41 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे आसानी से, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों, आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यानी 16 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपको एक समीकरण दिया हुआ है और इसमें कह रहा है 3x-6 से आप भाग दीजिए। तो भाग देने पर आपका भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है, तो क्या बचेगा? तो इसके प्रकार के देखिए, हमने भाग के काफ़ी आपको प्रश्न कराए हुए हैं, आपको पूरा चैप्टर ये जो भाग वाला था उसमें आपको मैंने कराया हुआ, तो इसमें किस तरीके से भाग दिया जाता सब कुछ आपको बताया था। पहले तो मैंने कहा था इन सभी जो आपको दी होती हैं उनको घातों के मतलब घटते हुए क्रम में आप लिख लीजिए इन संख्याओं को। तो आप 15x³ - 20x², ठीक है, इसके बाद प्लस का 13x आपका होगा 13x - 12, और इसमें जो भाग देंगे वो आप 3x - 6 से देंगे।
तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब जैसे ये देखिए ये जो आपको टर्म दिख रहा है 15x पावर q, तो यहाँ पर 15x पावर q को आप पहले अगर इस तरीके से करें एक्स क्यू, यहाँ पर 3x से आप इसमें भाग दे लें, तो आप 3x से भाग देंगे तो देखिए 3 से दोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, और इस एक्स से भाग दोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी 5x स्क्वायर। ये आपको भागफल में रखना है, 5x स्क्वायर आपको क्या रखना है, तो ये 5x स्क्वायर आपको भागफल में रखना है, ठीक है। तो ये भागफल में रखने के बाद आपको क्या करना होता है, इसको इसमें मल्टीपल करना होता है, फिर इसमें मल्टीपल करना होता है, इंडिविजुअली मल्टीपल करके इनको करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो आपका 54 आएगा, और यहाँ पर जो आपका भागफल आएगा वो भागफल आएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस का 10/3 और एक्स और प्लस का 11, ये आपका भागफल आएगा। तो आप कर लीजिए, और अगर आप ये पूरा प्रोसेस सीखना चाहते हैं किस तरीके से करते हैं, तो आप पूरा वीडियोस हमारे देख लीजिए, सभी वीडियोस आपके लिए डाले हुए हैं, सब कुछ एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ है, तो उसे देख लीजिए, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे उनको हम डिस्कस कराते चलेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लिया हमने कि यहाँ पे एक वृत्त खींचा, जिसका केंद्र मान लिया ओ। तो ओ केंद्र है, वृत्त पर दो त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार खींचिए कि वो 120 अंश के कोण बना रही हों, ठीक है। ए बिंदु बी बिंदु पर यहाँ पर जो इनकी जो बीच का जो एंगल हो 120 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक त्रिज्या यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे कि OA त्रिज्या यहाँ पे ये मैंने मान ली है। अब यहाँ पर हमें 120 अंश का कोण बनाते हुए करना है, तो इस तरीके से एक यहाँ पे चाप लगाएंगे, और चाप लगाने के बाद इसे हम फिर दो जगह इनको काट लेंगे चाप को इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपका इस मिल जाएगा इस बिंदु से जहाँ पर ये काट रहा होगा, ये जैसे देखिए ये सेकंड बिंदु यहाँ पे ये काट रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक बन जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। तो ये आपका पूरा 120 अंश का एंगल बन जाएगा। अब एंगल 120 अंश का बन गया, और यहाँ से जो स्पर्श रेखाएं हमको खींचनी है किसी बाहरी बिंदु से, यानी P मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से हमको इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो स्पर्श रेखा 90 अंश का एंगल बनाती है त्रिज्या के साथ, जो कि वृत्त की होती है। तो अब आपको रचना क्या करनी है, अब आपको रचना ये करनी है कि आपका यहाँ पर जो स्पर्श रेखा के साथ इसका 90 अंश का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ हम हटा देते हैं अभी, यहाँ पर जो इसको डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, ये जैसे मान लीजिए 100, ये आप समझे किस तरीके से करा है, ये आपका 120 अंश का एंगल बना दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर P बिंदु बाहर मान लिया है, तो यहाँ पर हमें 90 अंश का एंगल बनाना है। कहाँ पे 90 अंश का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर 90 अंश का एंगल बनाना है इस तरीके से। ये 90 अंश का एंगल बनाते हुए इस तरीके से हमको ये एक रेखा खींचनी है। तो ये 90 अंश का एंगल कब बनेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से चाप लगा लीजिए, और चाप लगाने के बाद आपको ये क्या करना है, चाप को इस तरीके से आपको काट लेना है, एक बार यहाँ से पॉइंट रख के और इस तरीके से बाहर से, ठीक है। ये कट गया, अब इन दोनों से इसको एक बार केंद्र मान लो, जैसे एक बार इसको पटरी रख, वो अपनी वो प्रकार रख लेना नुकन, और यहाँ पे एक बार रख लेना, तो इस तरीके से कटेगा दोनों तरफ से। अब इसको दोनों साइड से दोनों जगह एक एक बार रख के इसको काट देंगे, काटने के बाद इस तरीके से एक बन जाएगा, इसको मिलाते हुए पी बिंदु पर ले जाइए, ठीक है। तो ये 90 अंश का एंगल बनाएगी। इसी प्रकार से इसमें भी करना है, सेम टू सेम आपको प्रोसेस है, कोई भी आपको क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से एक वृत्त खींच लीजिए, और वृत्त खींचने के बाद इसे आप दो जगह एक कटेगा, और फिर इन दोनों से जो आपको पॉइंट आगे मिलेगा इस तरीके से, तो इस तरीके से एक पॉइंट मिलेगा, इन दोनों पे रख के एक बार इस पर भी रख लीजिए, देखिए इस पर भी पॉइंट रख लीजिए, यहाँ पर भी पॉइंट रख लीजिए एक बार, और ये बीच में जो पॉइंट मिलेगा इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो ये जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी ये 90 अंश का एंगल बनाते हुए इस पर जाएंगी, तो इस तरीके से बाहरी बिंदु पी से इस तरीके से स्पर्श रेखाएं आपकी खिंच जाएंगी। तो आप इस तरीके से इसकी रचना कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा जैसा करा है वैसा वैसा आपको एक बार लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ये कह रहा है कि आपको 40 विद्यार्थियों के बाहर आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके बाहर दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए भार और बारंबारता का मल्टीपल होता है, तो देखिए इसको समझा दूंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 40 भार यानी 40 किलोग्राम भार वाले कितने व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्ति हैं आपके 8। इसी प्रकार से 41 किलोग्राम वाले 4, 42 किलोग्राम वाले 6 व्यक्ति हैं, 40 किलोग्राम वाले 10 व्यक्ति हैं,
और 44 किलोग्राम वाले आपके 6 व्यक्ति हैं और 45 किलोग्राम वाले आपके 6 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ये बारंबारता इसकी जो कितने बार ये रिपीट हो रहा है, कितने व्यक्ति हैं ये दिखाता है। तो यहाँ पर तीन आपको साड़ी बनानी होती है, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको तीन साड़ी बनानी होती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें एक्स के पद, इसमें एफ के पद और यहाँ पर एफ एक्स दोनों को लिखना होता है। ठीक है, दोनों को लिख लीजिए और यहाँ पर एफ का नंबर ऑफ यहाँ पे जोड़ लेते हैं कि एन आपका कितना हुआ, तो एन का नंबर और यहाँ पर सिग्मा ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का यहाँ जो वैल्यू आएगा इन दोनों का मल्टीपल करके आएगा। जैसे मान लीजिए 40 लिखा है इधर, इधर 8 लिखा है, तो इन दोनों का 4 और 2 32 यानी 320। इस तरीके से आपके इस तरीके से जुड़ते हैं और इनके आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर के सांख्यिकी वाला जो चैप्टर हमने कराया उसे आप देख लीजिए, वहां पे आपको डिटेल में मैंने कराया हुआ है। तो क्या करना है, इसका मल्टीपल कर दीजिए, 8 या 24 यानी 320 हो गया। फिर यहाँ पे 4 एकन 4, 4 चौक 16, 164 हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 को 24 और 1 25 यानी 252 हो गया। मल्टीपल कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पे, 430 हो जाएगा ये आपका 430। ठीक है, इसके बाद आपका 6 का मल्टीपल, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2426 यानी 264 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 56 30 और 6 चौके 24, 2403 27 यानी 270। इन सबको आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो पहले जोड़ लीजिए, देखिए 3 और 1 4, 4 और 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 के बाद आपका 2 14 यानी 1400, तो ये हो गया। ठीक है, 1400 ये हो गया। इसके बाद आप दहाई के अंक जोड़ लीजिए, दहाई के अंक, ठीक है, दहाई के अंक देखिए 2 और 4, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 7 आपके हो जाएंगे 29 यानी 290 ये हो जाएंगे, 290 ये हो गए। इसके बाद आपका इकाई का अंक जोड़ लीजिए, तो 0 है यहाँ, तो 4 और 2 6, 6 और 6, 6 और 4 10, 10 यानी 10 और जोड़ेंगे, तो देखिए 10 और 290 300, 300 और 1400 1700। तो इसका जो मान आपका टोटल आया वो आया आपका 1700, तो 1700 आया। और यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे निकाल लेंगे कि ये बारंबारता कितने यानी है यहाँ पर, जो तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 28, 28 और 6 34, 34 और 6 40। तो 40 का आप इसमें भाग दे दो तो इसमें काट दोगे 4 से, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी आपका आ गया 42.50। तो यही आपका हो जाएगा समांतर माध्य। तो इस तरीके से आप इसका समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका पूरा यहाँ पे मॉडल पेपर खत्म हो जाता है 2017 का सेकेंड वाला। तो ये सभी मॉडल पेपर आप सही से देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए इनकी तैयारी, और कहीं भी डाउट है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।